नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवी लाइव। आइए नजर डालते हैं हर जगत की बड़ी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट से टाटा को बड़ा झटका। कोर्ट ने सिंगूर में टाटा नैनो प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण को किया रद्द। किसानों को उनकी जमीन लौटाने के लिए सरकार को दिया 12 हफ्ते का वक्त। वाड्रा के जमीन सौदे घोटाले पर ढींगरा आयोग ने हरियाणा सरकार को सौंपी रिपोर्ट। ढींगरा ने कहा, रिपोर्ट में है सरकारी और प्राइवेट कंपनियों के नाम। वाड्रा की कंपनी पर 7.5 करोड़ की जमीन को 55 करोड़ में बेचने का है आरोप। निर्माण क्षेत्र में तेजी के लिए नए नियमों को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। नए नियम से रुकी हुई परियोजनाओं को शुरू करने में मिलेगी मदद। निर्माण क्षेत्र का देश के जीडीपी में है 8% का योगदान। एप्पल कंपनी को यूरोपीय संघ से बड़ा झटका। एप्पल को आयरलैंड में 13 अरब यूरो टैक्स चुकाने का मिला आदेश। यूरोपीय संघ के आदेश को एप्पल कंपनी दे सकती है चुनौती। आइए अब एक नजर डालते हैं शेयर बाजार की हलचल पर। शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुआ। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स करीब 109 अंकों की तेजी के साथ 28,452 पर बंद हुआ। सेंसेक्स सुबह 29.24 अंकों की तेजी के साथ 28,372 पर खुला था। दिन भर के कारोबार में सेंसेक्स ने 28,532 के ऊपरी और 28,363 के निचले स्तर को छुआ। आज निफ्टी करीब 42 अंकों की मजबूती के साथ 8,786 पर बंद हुआ। निफ्टी सुबह करीब 10 अंकों की तेजी के साथ 8,754 पर खुला था। दिन भर के कारोबार में निफ्टी ने 8,819 के ऊपरी और 8,754 के निचले स्तर को छुआ। बीएससी के मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांकों में भी आज बढ़त दर्ज की गई। मिड कैप करीब 49 अंकों की तेजी के साथ 13,217 पर बंद हुआ और स्मॉल कैप करीब 23 अंकों की मजबूती के साथ 12,649 पर बंद हुआ। बीएससी के 19 में से 12 सेक्टरों में आज तेजी रही, जबकि 7 सेक्टर में गिरावट दर्ज की गई। अजगत की खबरों में इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।